हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का सुबह थोड़ा सा ठंडा ठंडा माहौल है, ठंडा ठंडा मौसम है और ठंडा में गुजिया बनने का तैयारी है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज थोड़ा सा गुजिया बनाएंगे, 10-20 है ना, 10-20 ज़्यादा नहीं बना पा रहे। इसको कहाँ निकाल के रखी है बोला? उसको भी घी एक कर देंगे हम। घी निकालेगी? हम चढ़ा के देखो, दूध लेने चला आते जा रहा है, दूध लेने कोई मतलब नहीं किसी से, अपना गाड़ी का तो चाबी निकाल रहा है। टेस्ट करते हैं गाइस, ठीक है? नारियल खड़ा जैसा लग रहा है ना, हल्का सा लग रहा है। दूसरा टेस्ट तो खूब सुंदर लगता है इसे। नारियल खराब है तो तुमको ऐसा था तो लगाना ही नहीं था, हम रिटर्न कर रहे थे, बोल के आया था। तो मौसम लग रहा है ना कि पानी आने वाला है, आज हो सकता है शाम तक पानी आएगा। कपड़ा बस तेरा सूख जाना। और मेरी चुटकी एकदम हीरोइन बन के घूमता है। क्या लगाना है तेरा? क्यों क्यों का लगाना नहीं सकता? अरे तो ब्यूटी साइकिल लगाना, इसीलिए हम धुलवा दिए कि कल तक भी सूख जाता। हाँ सूख जाए आज तक तो फिर कल दिक्कत। बैग निकाल दो हमको। कौन सा बैग? पिट्ठू बैग। पिट्ठू बैग क्यों लेके जाएगी? सूटकेस में तो हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों? सूटकेस में सब तो सामान देने लेने का भर गया है, मेरा दो सूट है, तेरा एक तो जींस भर गया है। पिट्ठू बैग कुछ लाते भी है कि नहीं? कुछ लाने के गई रहता है, कुछ नहीं, लोग कुछ अरेंज करके नहीं जाता है। काच लेके आना है तुरा? कुछ नहीं लाएगा आदमी, काच लाएगा है तो कुछ कुछ भी नहीं लाएगा। कुछ भी नहीं लाएंगे बोल दो बेटा, लड्डू सिर्फ जूता चप्पल लाएगा, दे सब यहाँ वाला जूता चप्पल फेंक दिया वहाँ जाके। ए मिस्टर से और फेंक रहा हूँ, यहाँ नहीं रखना है, बता दिया है। पूछ की तो गाइस, हम लोग का पैकिंग हो गया, फाइनल पैकिंग। फाइनल नहीं हुआ काम। हाँ हमको लगा फाइनल हो गया कि सूटकेस इतना दबा दबा के उसको ठीक कर रही थी, चैन लगा रही थी, हमको लगा हो गया। तो चाय नाश्ता का आनंद हम ले रहे हैं और दोनों किट से इतना परेशान कर रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, जिधर जिधर हम लोग जाते हैं उधर उधर जा रहा है, अभी हल्ला गुल्ला उधर जाके कर रहा है। भाया परेशान है, आ जाओ। तो बाबू सो गया है, मैं अपना थोड़ा सा पंखा चालू करता, थोड़ा अपना कंप्यूटर का काम फटाफट कर लेता। मैडम आ गई है और खाना पीना हो गया है। गाइस कल जाना भी है, कल ड्यूटी भी है। हाँ पैकिंग तो हो ही चला है, बस अब एक बैग में बाबू का है थोड़ा मोड़ा कपड़ा, वो सब भरना है क्योंकि पिट्ठू बैग में भरने से आराम होता है, कुछ ज़रूरत रहा आपको ट्रेन में भी तब खोल सके, पहना सके, मान लीजिए वॉमिटिंग हो गया, ये वो जो भी कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। अचानक आज मौसम ऐसा हुआ है, कल कितना धूप था, अचानक कल धूप किया था पूरा और आज अचानक ऐसा चेंज कर दिया। तुम पैंट नहीं धोया? पैंट कहाँ से धोएंगे, अभी सूखेगा है ही नहीं, सिर्फ धोने नहीं। वॉशिंग मशीन बहुत ज़रूरी है गाइस, कभी भी आदमी लोग कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन का कपड़ा धोना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि आपको फ्रिज से ज़्यादा ज़रूरत है वॉशिंग मशीन, है ना? मतलब हम लोग घर में हैं तो रहते हैं ससुराल में, तो तुरंत कपड़ा सूख जाता है, तुरंत इतना कपड़ा धुलाता है, तुरंत तुरंत सूख जाता है। तो ये रहा गाइस हम लोग का गुजिया रेडी है, देखिए मैडम इधर अभी छान दिया, हम दोनों मिलके किए, लेकिन नहीं दोनों मिलके किए अच्छा तो जल्दी हो गया, अच्छा बना है, लेकिन थोड़ा सा ये हड़बड़ हड़बड़ करता है ना, तो हमको अच्छा लगता है जब मेरा बनाया है तो नीट एंड क्लीन एंड टाइडी। ये देखिए ये कौनची बना दिया, कौनची बना, गुजिया है का बनना है, सॉफ्ट है गाइस इसका, इसको भी थोड़ा ठंडा होने देंगे तो तब इसको पैकिंग करेंगे, इसका भी पैकिंग जरूरी है। पैकिंग कर गए पैकिंग करना, हम लोग जैसे प्लास्टिक में डालो और दो गांठ मारो हो गया काम खत्म, और का पैकिंग होता है ना। और लड्डू और फूची और किधर गया, एक गेंदा लेके और एक कौन सी लेके, हाँ हाँ आ बेटा। तो अभी शाम का बज रहा है 4 और हम लोग मैडम को आईब्रो बनाना है और फिर से सैंडल का चक्कर है, अभी
सैंडल लेना है तो एक बार फिर से, तीसरा बार होगा कि हम लोग जा रहे हैं सैंडल लेने, और ईशान आज नहीं गया है घूमने, आज घर में ही है। ये वाला पहनेगा, ये वाला जूते, हाँ वो वाला पहनेगा। आज किसी भी हालत में आज मैडम का खरीदा कहीं जा रहा है, कहे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे, उसका बोले बार बार लेके जाते हैं, बार बार नहीं लेती हैं। वो तो देख रही है, ट्राई कर रही है, देखते हैं पसंद, अब इन्वॉल्व हो गए नहीं करेंगे, पसंद आए चाहे नहीं अपना ले ले। मुंह बना लिया है, बेहोश हो गया है। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं मैडम का। अरे चप्पल 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 लेके, चप्पल तो खर्चाया बड़ा मेहनत से, लेकिन आज हुआ बहुत, आज थोड़ा सा हम लोग बच गए। मतलब इतना स्लो, मतलब क्या बोले, शादी के बाद जितना स्लो हम गाड़ी चलाते हैं कोई सोचा भी नहीं होगा कि इतना धीमा चलाता होगा भाई गाड़ी। तो 10 से 20 का स्पीड में चलते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। और अब बच्चा होने के बाद तो एकदम ही अब और कम हो गया। धीरे धीरे आ रहे थे बस स्टैंड के पास ना, रहे वही पास, तो थोड़ा सा जाम था, एक गाड़ी रुका हुआ था ऐसे करके। कैमरा तो वन ही था शायद, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा, हम चेक नहीं किए, तो ऐसे रुका हुआ था। तो हम लोग सोचा कि उधर तो खाली है, तो हम लोग उधर से निकल रहे हैं। अब वो क्या किया, चालू करके टर्न कर दिया, हम लोग का गाड़ी में टच कर गया, इसका पैर में भी टच कर गया। तो गनीमत था, धीरे था, तो वहीं पर रुक गया सडनली। तो देखे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा वाइपर पे क्या हुआ, टच हुआ, थोड़ा सा इस तरह से रगड़ा गया, तो इसको दर्द हो गया, पैर ऐसे मुड़ गया था, पैर में हाथ ऐसे हो गया होगा, ये देखो, तो थोड़ा सा इसको दर्द हो गया। तो नहीं बेटा, तो सोचिए हम लोग तो चलिए 10-20 का स्पीड में चल रहे थे, इसीलिए कोई अगर स्पीड में आता यार उस तरह से फोर व्हीलर को टर्न आगे का हैंडल मोड़ेगा तो आदमी कैसा गिर सकता है, सोचने वाली बात है। नहीं तू लोग क्या कर रहा है रे, चिल्लम चिल्ली है कसम से, लेकिन दोनों जो है ना हल्ला गुल्ला एकदम काय कुचुर कर करके एकदम दिमाग खराब। तो गाइस एक काम और नहीं हुआ है, बेबी का एक टोपी लेना था वो नहीं ली है, तो नहीं ली है तो इसका जिम्मेवारी ही जाने की क्या करना है, कहे कि हम अपने तरफ से क्लियर हो गए हैं। हम गए थे दुकान, लेकिन ये नहीं लिए, दुकान जाते तो सर एक्सीडेंट नहीं होता। हाँ टाइमिंग का मार करता, समय वहाँ पर चला गया। हाँ यही होता है, जब मौत रहता है इंसान को खींचता है वहाँ पर ना, यही होना था, इसीलिए गैस कैसे ऑफ है। हाँ क्या कर रही है यार, गैस ऑफ है कि गैस खत्म हो गई, वो तो है गैस भरल, ओ पानी वहाँ गिर गया इसलिए, इतना तेज कर कर देते हैं। फिर से मेरा नाखून मारा है बाबू, यहाँ पे नाखून मार दिया भाई, इसीलिए इसको ये चुप चुप कर रहा था, लहर रहा है। तो यार यही खाना पीना अभी तैयारी हो रहा है, चावल चढ़ा हुआ है, अब देखें सब्जी क्या बनता है, घी भी निकालना है आज, कहेंगे वो बंद फ्रिज में रहेगा तो वो ख़राब होना ही है, इसलिए सारा कुछ आज ख़त्म कर दो। इतना हो गया, एक हज़ार हो गया, बहुत है। तो गाइस यही सब छोटा छोटा अभी है काम जो हम लोग का अभी ख़त्म करना है आज रात में है छोटा मोटा। तो अभी खाना उन्हें खा के जो भी थोड़ा बहुत और पैकिंग करना है वो सब करेंगे कंप्लीट, कहे कि कल तो कुछ नहीं सब करना है, कल इसका ड्यूटी है, तो ड्यूटी से आके सीधे हम लोग को निकलना है, बस एकदम सब कुछ करके जाना है, बस हाँ, हमको आके ड्रेस चेंज करना है, चले जाना है। हाँ बस उतने से काम है, तो जो है आज रात में ही सब कुछ कर लेंगे। अभी जा रहे हैं हम थोड़ा सा बाहर, सब्जी भाजी खाने का मेरा मूड नहीं है, तो जा रहे हैं थोड़ा सा एक पाव जैसा चिकन लाएंगे उसको बनाएंगे, और दाल है भात बनिए गया, आराम से खा के सो जाएंगे। मैडम को अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लंगड़ा के चल रही है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं क्या करें, पानी था हो गया, अभी अलग ही खेल रहा है, वहाँ से कहाँ से उठा के ले आया। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं कल का ब्लॉग में, तब तक ले बाय, गुड नाइट, हैप्पी रहिए और हैप्पी पूरे परिवार को रखिए, चलिए बाय।